उत्तर पूर्वी दिल्ली के कवि नगर शमशान घाट के पास आम आदमी पार्टी द्वारा बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक में आज 8 बजे करीब आग लग गई। आग लगने की वजह से मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ये नज़ारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के कवि नगर शमशान घाट का, जहां पर सुबह करीब 8 बजे मोहल्ला क्लिनिक में अचानक आग लग गई और क्लिनिक जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर की दो गाड़ियों ने लगभग 15 मिनट के अंदर ही आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक जब से बना है तभी से यह क्लिनिक बंद रहता है। ना तो यहाँ कोई डॉक्टर आता है और ना ही कोई आम आदमी पार्टी का अधिकारी इस मोहल्ला क्लिनिक की सुध लेता है। इलाके के लोगों की माने इलाके के लोग इस मोहल्ले क्लिनिक में अपने पालतू जानवरों को बांधते हैं और इस मोहल्ला क्लिनिक को पार्किंग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लिनिक के पास अतिक्रमण ने अपनी जगह बना रखी है। इससे साफ होता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता का पैसा किस तरीके से बर्बाद कर रही है। दिल्ली से तेज निगाह के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। स्टेशन ऑफिसर उदयवीर सिंह तोमर, ये गोपालपुर क्षेत्र में पड़ता है, कबीर नगर है, विजय पार्क नियर शमशान घाट मोहल्ला क्लिनिक है। ये बंद पड़ा है मोहल्ला क्लिनिक, चालू हालत में नहीं है। सुबह 8:11 पे और बोल आई थी कि मोहल्ला क्लिनिक कबीर नगर शमशान घाट विजय पार्क में आग लगी है। हम जैसे यहाँ पहुँचे इसमें आग लगी हुई थी, जल्दी हमने इसको कंट्रोल कर लिया। ये बंद था, इसमें कोई भी आदमी डॉक्टर मास्टर चौकीदार कोई नहीं था, ये कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ।